जी हाँ स्टूडेंट, भले ही हम एनओएस के क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हो, लेकिन हमारी नजर बनी रहती है सीबीएसई के हर वो डिसीजन पे जो सीबीएसई लेने जा रहा है बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। कब वो जो है अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, किस आधार पे मार्क्स देगा, इन सब को लेकर एनओएस के स्टूडेंट सीबीएसई पे टकटकी नजर लगाए बैठे रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जो उलटफेर सीबीएसई में होता है सेम प्रोसीजर हमें एनओएस में भी देखने को मिलता है। अभी इसी तरीके से एक चीज नया और आ गया है कि सीबीएसई ने एक नई मार्किंग स्कीम अपनी लॉन्च करी है। अब ये मार्किंग स्कीम क्या है, किस आधार पे क्लास 12 के स्टूडेंट को सीबीएसई मार्क्स देने जा रहा है, और अगर सीबीएसई ने ये मार्क्स पैटर्न अपनाया है तो क्या एनओएस भी कुछ इस तरीके का मार्क्स पैटर्न अपनाने जा रहा है और अपने स्टूडेंट को मार्क्स देने जा रहा है। तो आज के हमारे इस पूरे वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ वो सारी बातें कि सीबीएसई के पैटर्न लाने पे एनआईओएस के स्टूडेंट पे क्या फर्क पड़ने वाला है, उनकी मार्किंग स्कीम पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बिना स्किप करें इस छोटे से वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए ताकि आपका डाउट भी क्लियर रहे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह गुसाई, मैं हूं एनओएस एक्सपर्ट और हम ये बीसीआईजी गुरुजी चैनल है। इसमें हम एनओएस की छोटी छोटी जानकारी, बड़ी से बड़ी अपडेट अपने सब्सक्राइबर्स के लिए लेकर आते हैं। आप में से कोई भी पहली बार आया हमारे इस वीडियो में तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरीके के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आते रहें जब भी एनओएस का कोई नया अपडेट आता है। आज की अपडेट की हम लोग बात कर रहे हैं कि सीबीएसई ने कुछ नया मार्किंग स्कीम लेकर आया है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि क्या वो मार्किंग स्कीम है। इस सीबीएसई ने जो ये मार्किंग स्कीम लेकर आया है इसको नाम दिया है 30-30 और 40 का फॉर्मूला। यानी कि क्या चीज है ये कि अगर आप हो 12th क्लास के स्टूडेंट तो आपको मार्क्स सिर्फ आपके प्री बोर्ड के एग्जाम के बेसिस पे नहीं दिए जाएंगे, आपको जो मार्क्स अलॉट करेगा सीबीएसई बोर्ड वो क्लास 10th में आपके जितने भी थ्योरी में मार्क्स आए हों बेस्ट 3 सब्जेक्ट में। दोबारा सुन लीजिए, 5 सब्जेक्ट होते हैं लेकिन 5 में से बेस्ट 3 सब्जेक्ट जिसमें आपके सबसे ज्यादा मार्क्स आए हों उनका 30% निकाल कर वेटेज दिया जाएगा आपको इस वाले बोर्ड में जो आप इस साल जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है। उसी तरीके से जो भी आपका क्लास 11th का रिजल्ट रहा हो, जो भी आपने क्लास 11th में परफॉर्म किया हो उसमें जो भी आपके मार्क्स आए हों उसमें से भी बेस्ट 3 सब्जेक्ट निकाल कर आपको जो है 30% मार्क्स दिया जाएगा। और क्लास 12th में आपके या तो मिड टर्म एग्जाम या आपके प्री बोर्ड एग्जाम या फर्स्ट टर्म एग्जाम किसी के भी बेसिस पे जो भी डाटा अवेलेबल है और अच्छे तरीके से है उसके बेसिस पे 40% मार्क्स क्लास 12th का करंट ईयर का लिया जाएगा। यानी कि जिन लोगों ने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है पिछले 3 साल में उनका एक अच्छा रिजल्ट आने वाला है। यानी कि 10th का 30%, 11th का 30% और 12th का 40%। तो ये प्रक्रिया अपनाने जा रहा है कौन, सीबीएसई बोर्ड। अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि क्या इसी तरीके से एनओएस ओपन बोर्ड भी करने जाएगा क्लास 12th के स्टूडेंट के साथ। तो जी हाँ, सबसे पहले देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि हमारे जो एनओएस में स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं वो बहुत से एडमिशन ऐसे होते हैं जिन्होंने क्लास 12th में डायरेक्ट एडमिशन लिया है, 10th में उन्होंने एनओएस से पढ़ाई नहीं है, 11th क्लास तो एनओएस में होता ही नहीं है। तो यानी कि अगर एनओएस बोर्ड ऐसा करना भी चाहे तो वो कर नहीं सकती है, क्योंकि ना तो किसी स्टूडेंट का 10th का डाटा उसके पास है ना ही 11th का डाटा है। सर डाटा अगर अवेलेबल है तो सिर्फ उसका करंट ईयर का डाटा है। हाँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने एनओएस भी 10th से करा हो और क्लास 12th भी एनओएस से कर रहे हो तो उससे कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि अगर जो रिजल्ट की मार्किंग स्कीम अपनाई जाएगी वो साइमल्टेनियसली सभी स्टूडेंट के लिए एक जैसी अपनाई जाएगी। तो यहाँ पर तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि एनओएस के पास तो कोई ऑप्शन ऐसा रहता नहीं है। तो फिर एनओएस के पास क्या ऑप्शन बचता है, तो जी हाँ अगेन वही पुराना मेथड जो कि एनओएस लेकर आया था कि टीएमए के बेसिस पे, अगर आपके टीएमए भली भांति से बहुत अच्छे से सबमिट है, आपके मार्क्स आपके डैशबोर्ड में अपडेट दिखा रहे हैं, आपने एग्जामिनेशन फीस पेड करी है तो उसी बेसिस पे आपको जो है यहाँ पर पास कर दिया जाएगा, आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। हाँ, कुछ ऐसा कर सकता है एनओएस बोर्ड, जैसे पिछली बार भी ये बोला गया था कि जो भी उनके जैसे टीओसी वाले स्टूडेंट हैं कि टीओसी वाले स्टूडेंट में ऐसा होता है कि जो 5 सब्जेक्ट उसके हैं, जो भी 5 सब्जेक्ट है उसका एवरेज मार्क्स निकाला जाता है। तो कई बार ऐसा भी देखा गया कि किसी के तो 4 सब्जेक्ट में ऑलरेडी पास होते हैं, किसी का 3 में पास है, किसी में 2 में पास है, तो उनके बेसिस पर उनका एवरेज मार्क्स निकाल कर उनको भी पास किया जाएगा। तो यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे से पूछते हैं सर मैंने जनवरी फेब में एग्जाम दिया था, एस वाई सी टी आ गया था,
फिर मैंने जून के लिए अप्लाई करा और फिर जून में जो है एग्जाम होना था लेकिन एग्जाम हुआ नहीं है, तो क्या हम भी प्रमोट होंगे या नहीं होंगे? तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ये कंफ्यूजन पाल लिया है, पता नहीं कौन सी ऐसी वीडियोज उन्होंने देख लिया है या कौन सा सोशल मीडिया उनको ऐसा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो पासिंग कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, तो मैं उनको क्लियर तौर पर बता दूं कि अगर आपने जनवरी फेब में एग्जाम दिया था, SYC SYT सिटी आया भी था, तो कोई बात नहीं, आपने जून की एग्जाम फीस पेड करी है, TA में आपके सबमिट है, आप भी पासिंग कैटेगरी में आ रहे हो, आपको भी पास किया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी जानकारी, अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरीके की वीडियो लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।